जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यूज 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम डे 47 यानी कि 47 नंबर टेस्ट सीरीज का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए 47 नंबर का टॉपिक था जो कि था राज्य सरकार से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट से, और इस टॉपिक के अंतर्गत जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि राज्यपाल जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। राज्य सरकार से प्रत्येक साल तो क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछा गया है, लेकिन जो है 1 से 2 साल के अंतराल पर जो है क्वेश्चन जो रिपीट होता रहता है, तो इसलिए आपको जो है इस पर जो है ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। तो आइए ज्यादा ना देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा केंद्रीय संसद द्वारा। क्योंकि देखिए संविधान में राज्य विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है, और वह जो व्यवस्था है वह कौन कर सकती है? तो सिर्फ जो है संसद कर सकती है, लेकिन इसके लिए जो है एक विशेष प्रस्ताव जो है राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से जो है पारित करना होगा, एवं बहुमत कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इसकी क्राइटेरिया है, तो आपको ये जो है याद रखना है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 1985 में भी जो है आंध्र प्रदेश विधान परिषद का जो है विघटन किया गया था, और 1986 में भी जो है तमिलनाडु विधान परिषद का जो विघटन किया गया था। और अगर बात करें विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद को जो है समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जो है भंग नहीं किया जा सकता है। तो यह भी जो आपको जो है याद रखना है। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, बोल रहा है किसके द्वारा जो है राज्य का राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए राज्यपाल न तो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी नियुक्ति जो है केवल और केवल जो राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। देखिए संविधान में जो है वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात कही गई है, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही जो है अपनाया हुआ है। तो इतने फैक्ट पे जो आपको याद रखना है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा राज्यपाल। देखिए राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख कहे या फिर कहे संवैधानिक प्रमुख कहे या मुखिया कहे, बात एक ही हुआ। तो आपको याद रखना है राज्यपाल जो है राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, और ये राज्य सरकार के साथ जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। तो यह भी आपको याद रखना है, राज्यपाल जो है राज्य सरकार के साथ ही साथ केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और जो है 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा किस अधिनियम के अनुसार, तो आपको याद रखना है 1956 की 7वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार। 4 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा राज्यपाल। क्योंकि अभी तुरंत ही हम बताए थे, चाहे आपको कार्यकारी अध्यक्ष कहे या आपको संवैधानिक अध्यक्ष कहे, आपको घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कन्फ्यूज करने के लिए, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर क्या देना है? बी देना है, क्योंकि दोनों एक ही शब्द हुआ। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा एडवोकेट जनरल जो है कानूनी विषयों पर जो है राज्य सरकार को जो है परामर्श देता है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो देखिए भारत में जो राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है उसे जो विधान पालिका जो है परिषद कहा जाता है। अगर बात करें निम्न सदन, तो देखिए निम्न सदन किसे कहा जाता है राज्य में? तो विधानसभा को कहा जाता है। जिस प्रकार राज्यसभा जो है एक उच्च सदन होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में जो है विधान पालिका परिषद जो है उच्च सदन होता है, और जिस प्रकार लोकसभा निम्न सदन होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में जो है विधानसभा जो है निम्न सदन होता है, यानी कि निचली सदन होता है। तो इन फैक्ट को आपको जो है हमेशा माइंड में रखना है, राज्यसभा किसकी तरह होते हैं? तो विधान पालिका परिषद, और लोकसभा विधानसभा की तरह। और इस तरह से आप अगर याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा।
अब देखिए सातवां नंबर का क्वेश्चन है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आप ही बताइए किसकी सलाह पर, तो राज्यपाल की सलाह पर, लेकिन ऑप्शन में दे दिया है गवर्नर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गवर्नर को ही जो है राज्यपाल कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर बात करें राज्यपाल के शक्ति की, तो देखिए राज्यपाल के पास जो चार प्रकार की शक्ति होती है, कौन कौन सी, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति, और इन्हीं में से कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन के लिए जो है सिफारिश कर सकता है, और जब राज्य में जो है राज्यपाल का शासन लागू हो जाता है तो क्या होता है, तो राज्यपाल की शक्ति का विस्तार हो जाता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जो राज्यपाल जो है आ जाते हैं, तो इतने फैक्ट को आपको याद रखना। देखिए आठवां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है कौन? तो देखिए संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, और इसके अंतर्गत जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, एडवोकेट जनरल यानी कि राज्य के महाधिवक्ता जो है आते हैं, तो आप ही चूज कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर किसमें देख रहे हैं सभी आ रहा है, तो चार नंबर के, और चार नंबर किस ऑप्शन में है, तो डी में जो है केवल चार है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए नौ नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या कहे तो स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए, किसको देना चाहिए? तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो है यानी कि स्पीकर तीन मामले में जो पद से रिक्त हो जाता है, कौन कौन से, यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए तब उसका जो पद रिक्त होगा, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्याग पत्र दे दे तब जो है उसका जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगा, यदि विधानसभा के तत्कालीन सभी जो सदस्य जो है उसके बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जाए तो ही हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी जो है उसे चार दिन पूर्व ही जो है सूचना देना होगा, तो आप ही ऑप्शन से चूज कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को जो है वो जो है स्पीकर जो है त्याग पत्र देता है। अब दसवां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हम बात कर रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्यों? तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो है उसकी जो विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है, 68 है, और उसकी विधान परिषद की संख्या अगर बात कर दे तो 75, यह भी याद रखना है। अगर बात कर दे वही अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सदस्य की संख्या जो 60 है, मणिपुर की भी जो 60 है और मेघालय की भी जो 60 है, तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। देखिए अगर पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम जो है कब जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो आपको याद रखना 1862 ईस्वी में, और अगर बोल दे कि 2019 के अनुसार देश में कुल जो है उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 25 है, इससे पहले जो है 24 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बनने के कारण 2019 में जो है इसकी संख्या जो है 25 हो गई थी, इतना फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा कानून बनाकर, तो ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संसद को जो है घटाने या बढ़ाने का जो है अधिकार है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए अगर बात करेंगे किससे परामर्श लेकर, तो देखिए जब भी हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे जो परामर्श लेगा, उसके बाद राज्यपाल से, और उसके बाद जो दो वरिष्ठ जो है न्यायाधीश थे उससे जो है परामर्श लेता है। अगर पूछ दे कि आपको अगर सिर्फ जो है न्यायाधीश की नियुक्ति करे, तो जिस राज्य की वो न्यायाधीश है उस राज्य के जो है उच्च न्यायालय जो है उस उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे जो है परामर्श लेते हैं। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो वही बात पूछ दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राज्यपाल के सामने। देखिए जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है उसे पद संभालने से पूर्व जो है उस राज्य के राज्यपाल या कहे तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने जो है शपथ लेना पड़ता है, तो इसी कारण से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा,
राष्ट्रपति को। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 62 वर्ष। अगर बात करें तो देखिए वैसे तो 62 वर्ष की आयु तक जो पद पर जो रहता है, लेकिन इसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय जो है राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद करता है, और उसका जो अंतिम निर्णय करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। इतने फैक्ट जो आपको याद रखना है। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय जो सिर्फ जो है मूल अधिकारों के परिवर्तन संबंधी जो आदेश दे सकता है, लेकिन उस आदेश को कोई भी जो है परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 5 वर्ष। 21 नंबर का क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति और उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 35 वर्ष। 23 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल की पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए राज्यपाल को कार्यभार ग्रहण करने से पहले जो राज्यपाल जो है सत्य निष्ठा की शपथ लेता है, और ये शपथ जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, या अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो उनकी उपस्थिति हो तो उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है शपथ जो है दिलवाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सरोजनी नायडू का। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो एक व्यक्ति को कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? बोल रहा है कि भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सरोजनी नायडू। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो राज्यपाल करता है। राज्य स्तर पर कौन करता है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति? राज्यपाल कर सकता है, लेकिन जो है किसके परामर्श से? तो मुख्यमंत्री के जो परामर्श से जो करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब 28 नंबर का क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा जो मंजूर किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब 29 नंबर का क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति जो है राज्यपाल को भी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो देखिए जिस प्रकार जो है लोकसभा में जो है कोई भी धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति से ही जो है प्रस्तावित की जाती है चाहे प्रस्तुत की जाती है, ठीक उसी प्रकार जो है राज्य में जो है राज्यपाल की जो है अनुमति से या कहे तो सिफारिश से जो है उसे जो है पेश किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो की जाती है? तो देखिए अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा, और मंत्री की नियुक्ति जो राज्यपाल ही करेगा लेकिन जो मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। तो क्या हो जाएगा? 164, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं 164, 163 है, 165 है, 161 है, 153 है। तो देखिए 163 जो है मुख्यमंत्री से ही रिलेटेड है, लेकिन बाकी जो है मुख्यमंत्री से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है? बोल रहा है कि बीच की कड़ी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की जो है कड़ी होती है। क्यों? तो देखिए राज्यपाल जो मुख्यमंत्री की सलाह से जो है मंत्रिपरिषद का जो है गठन करता है चाहे नियुक्त करता है, इसलिए। 34 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य विधान मंडल का ऊपरी सदन कौन होता है? तो देखिए जिस प्रकार हम बताए थे कि केंद्र सरकार में जो ऊपरी सदन कौन होता है तो राज्यसभा होता है, ठीक उसी प्रकार जो राज्य में जो है ऊपरी सदन कौन होता है तो विधान परिषद होता है। अगर बात करें कि केंद्र सरकार में जो है कौन होता है निचली सदन,
तो लोकसभा होता है, तो ठीक उसी प्रकार राज्य में जो है निचली सदन कौन होता है, तो विधानसभा होता है। इसको जो आपको याद रखना है। अब 35 नंबर का क्वेश्चन है, किसको समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं। तो हम बताए थे कि जिस प्रकार जो है राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद को भी जो है भंग नहीं किया जा सकता है। अब 36 नंबर का क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम जो कितनी आयु होनी चाहिए। तो देखिए विधानसभा के लिए अगर बात करते तो 25 वर्ष और विधान परिषद की बात करें तो 30 वर्ष। तो इसमें तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 30 वर्ष। 37 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए परिसीमन जो है यानी कि किसी भी राज्य की जो है सीमा जो है वह जो है निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, तो परिसीमन आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य जो है विधानसभा द्वारा जो है चुने जाते हैं। तो देखिए विधानसभा में जो है 5/6 जो है प्रतिशत जो है वह जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और जो है उसके बाद जो है 1/6 जो है वो जो राज्यपाल द्वारा जो है नामित किए जाते हैं। अगर बात करें 5/6 जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उसमें जो है किसका कितना प्रतिशत है, तो देखिए 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकाय से। अब बोलेगा कि स्थानीय निकाय क्या है, तो नगर पालिका चाहे जिला बोर्ड से। 1/12 सदस्य जो है राज्य में रह रहे जो कि 3 वर्ष में स्नातक निर्वाचित है वो लोग होते हैं, और 1/12 सदस्य जो है 3 वर्ष से जो अध्यापन करा रहे हैं यानी कि पढ़ा रहे हैं माध्यमिक स्कूल को सिर्फ छोड़कर, उसके द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं। और जो 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के द्वारा जो है चुने जाते हैं, और जो 1/6 सदस्य तो हम बताए ही राज्यपाल के द्वारा जो है नामित किए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहे राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा, तो विधानसभा के द्वारा कितना, तो 1/3 सदस्य। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो अभी हम बताएं कितने सदस्य, 1/6 सदस्य जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा जो है स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है। तो कितना अभी तुरंत बताएं, तो 1/3। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो किसको देगा, तो उपसभापति को देगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 42 नंबर का क्वेश्चन है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है। तो देखिए विधान परिषद जो है 4 माह तक जो है रोक सकती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व जो इसकी सूचना जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए। तो हम बताए थे कि कितने दिन, तो 14 दिन जो है पूर्व जो है देना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 44 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है। देखिए अगर कोई सदस्य जो है निर्वाचित हुए हैं तो कितने समय तक रह सकता है, तो सिर्फ जो है 6 महीना तक जो वह जो है रख सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 6 माह। तो जितने भी क्वेश्चन थे 47 नंबर टेस्ट सीरीज का जो डिस्कस करने वाले प्रश्न थे उसको जो हम डिस्कस कर दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। गुड नाइट, टेक केयर।